आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आयुष्मान भारत योजना की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने के लिए दिए निर्देश। दो दिवसीय पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के तत्वावधान में अखिल भारतीय रेलवे ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने किया प्रतिभाग। रविवार को विजेता व उपविजेता टीम को किया जाएगा सम्मानित। सिटी डेवलपमेंट प्लान के विकास कार्यों की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की समीक्षा बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। द कश्मीर फाइल्स में शारदा पंडित की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस भाषा सुंबली और सुशील पंडित ने गोरखपुर पहुंचकर देखा अपना फिल्म। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यह केवल कश्मीर फाइल्स है, ऐसी लाखों कहानियां लोगों के सामने आई नहीं। शारदा पंडित का किरदार मेरे जहन से कभी नहीं जाएगा। स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के लिए 9 अप्रैल को होगा मतदान, 12 अप्रैल को होगी वोटों की गिनती। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। गोरखपुर में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सेना के जवान धनंजय का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब। जिलाधिकारी ने कहा शुक्रवार को कानून हाथ में लेने वाले अभियुक्तों की वीडियो के माध्यम से की जा रही है पहचान, चिन्हित करके की जाएगी कठोर कार्रवाई। हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में गोरखपुर को फरवरी माह की हेल्थ रैंकिंग में पूरे यूपी में मिला दूसरा स्थान। सीएमओ ने कहा गर्भवती महिलाओं की जांच, एचआईवी जांच, नियमित टीकाकरण और गृह आधारित नवजात शिशु के देखभाल में अच्छा प्रदर्शन करने पर मिला दूसरा स्थान। पहले नंबर पर रहा हापुड़ जिला। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता शनिवार को कैग और पूर्वोत्तर रेलवे के बीच खेला गया। कैग ने 3 रन से जीता मैच। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कैग के हिमांशु राणा को दिया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बदलते मौसम पर बोलते हुए कहा कि सभी लोग घर से फुल शर्ट पहनकर निकलें, बाहर पानी का सेवन अधिक करें, जरूरी ना हो तो दोपहर में घर से बाहर ना निकलें। और सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने पिपरौली ब्लॉक के जंगल रानी सुहाव कुंवारी गांव में लगाया चौपाल। लोगों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश।